कोरोना नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सिमाओ, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ मेडटॉक्स। समय आ गया है हम कोरोना के साथ जीना सीखें, कोविड के साथ जीना सीखें, बिना डर के, बिना किसी तकलीफ के। जैसे हमारे देश में टीबी है, जैसे हमारे देश में हार्ट अटैक होते हैं, वैसे भी कोरोना होते रहेंगे। दो साल तक, तीन साल तक, कब तक चलेगा कोरोना हमें पता नहीं, बट लगता यही है इमीडिएटली खत्म होने वाला नहीं। जिस तरीके से एसिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर में 1 से 4% लोगों में प्रेवलेंस पाया गया है, एट एनी गिवन टाइम एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, इसका मतलब है ये बीमारी हमारे देश के अंदर में H1N1 फ्लू की तरह जम चुकी है। अब हमें इसके साथ में जीना होगा, इससे प्रिवेंशन से साथ में जीना होगा। हमारे देश में ज्यादातर यंगर लोग हैं, वो एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि उसमें मोर्टैलिटी कम है उसके साथ में। अगर हमें इसके साथ में जीना है तो हमें अपने घर का कंस्ट्रक्शन चेंज करना होगा, घर की दीवारें इन्फेक्शन प्रूफ बनानी होंगी, घर से कारपेट बाहर, घर से कर्टेंस बाहर, हमारे सारे मॉप्स को हमें सोचना होगा कि क्या हम उसको कॉपर से चेंज करें ताकि उसके अंदर में इन्फेक्शन ना आए। घर के अंदर में हमारे यहाँ पे जो भी बाहर चौकीदार है या बाहर कोई भी इंसान है, उसको हमें देखना होगा कि वो मास्क पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हाथ में ग्लव्स पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। वी हैव टू गो बैक कि हम अपने घर में खाना बनाएं, बाहर से खाना कम आए। हमारे को किसी के घर भी जाना है तो हमें पूछना होगा, अरे पहले बताओ कोविड प्रिकॉशंस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ज्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया आपने। और अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो आप लिखोगे कि हमारे यहाँ पे कोविड की सारी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, बाहर ही आपको सैनिटाइजर मिलेगा, शू कवर मिलेगा, आज नहीं तो कल हमारे को ये सब चीजें करनी होंगी। ये जो हमारा शो था शादियों का, 2000, 5000, हमने 10000 लोगों को बुलाया, हमने 50000 लोगों को बुलाया, ये सब चला जाएगा। सब शादियां साफ सुथरी अपने परिवार के साथ होंगी, जिनका प्रेम आपके साथ है उनके साथ होंगी, दिखावे लोगों वाली नहीं होंगी। वापस आएगा हमारा कल्चर प्रेम का, आपस में जुड़ने का, और बाकी लोगों से अगर आपने जुड़ना है तो उसके लिए सोशल मीडिया है। अपने आप पे सोशल मीडिया में आप हजारों लाखों से मिलो, लेकिन अपने लोगों के साथ में लिमिटेड गैदरिंग के साथ के आपके फंक्शंस होंगे। ये लेन देन सारा खत्म हो जाएगा कि शादियों में जाना है, शगन देना है, फिर पूछते हो कि उसने मेरी शादी में कितना दिया था, मुझे उतना शगन देना है। ये सब चीजें धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, उसके अंदर में थ्योरी सब वर्चुअल हो जाएगी, प्रैक्टिकल्स के लिए आप स्कूल में जाओगे जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी। तो हमें सीखना होगा कि हमें कोविड के साथ जीना है। अस्पताल चेंज होंगे, पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस चेंज होगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारा लिविंग तरीका बदलेगा, हमारे घर का डिजाइन बदलेगा, हमारे स्कूल कॉलेजेस के डिजाइन बदलेंगे। याद रखिए, ये पेंडेमिक हर 10 साल में आता है। 2009 में H1N1 आया था, सबने कंट्रोल किया, 10 साल के बाद में COVID-19 आया है। इसका असर कितने साल रहेगा पता नहीं। H1N1 का असर तो अभी तक है, अगला पेंडेमिक कब आएगा, जल्दी आएगा, बाद में आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हमारे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। वी हैव टू लिव विद कोविड, हमें इससे डर के नहीं रहना, हमें इससे बचाव करके रहना है। हमें सरफेस डिसइंफेक्टिंग, हमें अपनी सरफेसेस को क्लीन करना है, हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट, पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन के साथ में जीना सीखना होगा। कोविड जी नमस्ते। हेलो, আমি ডাক্তার মনি রায় বলছি। এই দুঃসময়ে আমরা সবাই বাড়িতে থাকব, সুস্থ থাকব, নিতান্তই দরকার না হলে আমরা কেউ বাড়ির বাইরে বেরোব না। যদি বেরোতেই হয় তাহলে মুখে মাস্ক পরব এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করব। বাড়িতে এসে অবশ্যই মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে মিনিমাম 20 সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়াশ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এই সময়ে যারা আমাদের একটু নিচের গ্রুপে থাকে, যাদের
দিন আনি দিন খাই এবং একেবারেই কেউ নেই, তাদেরকে জন্য আমরা সাধ্য মতন চেষ্টা করব এবং তাদের সাহায্য করব। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি ডক্টর প্রশান্ত ভট্টাচার্য, প্লাস্টিক সার্জন, এপিসি মেডিকেল কলেজ, কলকাতা। করোনা ভাইরাস একটি ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপের ভাইরাস, যেটা মিউট্যান্ট হয়ে COVID-19 হিসেবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যার মর্টালিটি রেট 2-3%। প্রত্যেক খারাপ ভাইরাস সার্স এবং মার্স, যার মর্টালিটি রেট 5-6%। সুতরাং অযথা ভয় পাবেন না, কিন্তু উদ্বিগ্ন হওয়া যথেষ্ট কারণ আছে। সেজন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, সেই সাবধানতার কথা আমি বলি যে আপনারা কখনোই মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বেরোবেন না। নিজেকে যথাসম্ভব আইসোলেশন এবং বাড়িতে রাখা, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং বাড়িতেও নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং 1 মিটার দূরত্ব বজায় রাখা ভালো। এবং নিজেদের সর্দি কাশি হাঁচি এবং গলা ব্যথা এবং জ্বর হলে অতি অবশ্যই র্যাপিড ব্লাড টেস্ট করে নিন, যেটা থেকে আপনি আপনার শরীরে অ্যান্টিবডি আছে কিনা জানতে পারবেন। এবং যদি অ্যান্টিবডি থাকে তাহলে আপনি অতি অবশ্যই থ্রোট সোয়াব, RT-PCR করে নেবেন, যাতে করে আপনি করোনা আছে কি না 99% ক্ষেত্রে আপনি জানতে পারবেন যে হ্যাঁ আপনার করোনা আছে। যদি করোনা থাকে তাহলে আপনার অতি অবশ্যই করতে হবে। শতকরা 80% ক্ষেত্রে করোনা সাধারণভাবে সেরে যায় এবং 20% ক্ষেত্রে ভর্তি হওয়া। যদি কারোর করোনার সংস্পর্শে আসেন তাহলে অতি অবশ্যই নিজেকে আইসোলেশনে রাখুন, র্যাপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট করে নিন, ব্লাড টেস্ট এবং থ্রোট সোয়াব, যদি ব্লাড টেস্ট পজিটিভ হয় তাহলে থ্রোট সোয়াব করে নিন। নমস্কার, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं कोरोना वायरस विषय पर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है ये हर्ड इम्यूनिटी, जिसे कोरोना वायरस के जंग में बताया जा रहा है बड़ा हथियार। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा एशिया, यूरोप से होते हुए अब अफ्रीका तक पहुंच चुका है। इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुनिया भर के कई देशों की सरकारें इसे रोकने के प्रयास में लगी हुई है। वैज्ञानिक जहां एक ओर इसकी दवा और वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी सस्ती जांच किट और वेंटिलेटर जैसे उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन किया गया है। घरों में कैद लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर कोरोना संकट कब खत्म होगा। इस बीच एक रिपोर्ट यह आई है कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए तो कोरोना का मुकाबला करने में यह महत्वपूर्ण साबित होगा। मालूम हो कि पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को भी वैक्सीन के जरिए हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाकर ही हराया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सरकार को सलाह दी थी कि सरकार कोरोना वायरस के असर को घटाने के लिए इसे बड़ी आबादी में फैलाया जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए और कोरोना को ख़त्म किया जा सके। हालांकि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से खंडन करते हुए कहा गया कि सरकार ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता किसी भी महामारी का स्वाभाविक सह उत्पाद है, यानी महामारी के फैलने के साथ ही लोगों में अपने आप हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण पोलियो है। लोगों को विकलांग कर देने वाली इस बीमारी से पूरी दुनिया डर गई थी,
लेकिन भारत में दुनिया की लगभग आबादी पोलियो से इम्यून हो चुकी है। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी मेडिकल साइंस की एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है, जिसके तहत देश की 60% से अधिक आबादी को वायरस से संक्रमित करना होता है, ताकि उनका शरीर इस वायरस से लड़ने के लिए इम्यून हो जाए और भविष्य में कभी इस वायरस संक्रमण उनमें ना फैलें। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वैक्सीनेशन या संक्रमण के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी विकसित की जाती है। इसे अपनाकर किसी समाज या समूह में बीमारी के फैलने की श्रृंखला तोड़ी जा सकती है। यह काम कैसे करती है? हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए सबसे पहले बीमारी के फैलने के तरीके और उसके लिए ज़रूरी हर्ड इम्यूनिटी लिमिट का पता लगाना होता है। लिमिट जानने के लिए महामारी वैज्ञानिक RO यानी मूल प्रजनन क्षमता स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसे बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर RO कहा जाता है। यह बताता है कि किसी एक संक्रमित व्यक्ति से और कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस स्टैंडर्ड के आधार पर ही इसके प्रयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति अन्य 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक प्रसार में यह संख्या बढ़ भी सकती है। कोरोना के खिलाफ कितना कारगर है हर्ड इम्यूनिटी? कोरोना से संक्रमित होने वाले ज़्यादातर लोग कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले हैं। इसमें बुजुर्ग के साथ हार्ट पेशेंट हैं या BP के मरीज भी शामिल हैं। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का तरीका अपनाया जाए तो इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। संक्रमण वाला तरीका भी जोखिम भरा हो सकता है। जानकारों के मुताबिक इस प्रोसेस में उन्हीं लोगों को शामिल किया जा सकता है जिनके अंदर इम्यूनिटी का निरंतर विकास हो सकता है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी को इस्तेमाल करने में बहुत अधिक समय लग सकता है। इस खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ अगर हर्ड इम्यूनिटी को अपनाने का दबाव वैज्ञानिकों पर आता है तो ये सही काम कर सकेगा, इसका ना तो कोई प्रमाण है और ना ही अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को बचाने के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी एक अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति नहीं हो सकती है। अन्य पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी इसके बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों से खुद को और दूसरों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई जैसे बचाव के उपाय अपनाने पर जोर दे रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना
डॉक्टर अरुण कुमार।